हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेड इंटरनेशनल। टुडे आई एम हियर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टू टॉक अबाउट द यूएस वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स। एज ऑन 11th मे द मेन हेड द सीनियर काउंसलर ऑफ यूएस एम्बेसी डॉन हेफलिन कम ऑनलाइन टू टेल अस समथिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ही सेड and what he updated us about the appointments and when they will start giving the appointments to the F1 student visa and other visa types. So stay tuned with the video, watch till end, make sure you subscribe my channel and like this video so that you don't miss any immigration update in the upcoming days. So let's start. तो डॉन हेफलिन ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई अपने लाइव सेशन में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी आने वाली अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो हमें उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लाइव सेशन में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हमें जल्दी एक न्यू सीरीज़ देंगे अपॉइंटमेंट्स की, जिसमें देर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जो कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स की। इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट वीक से ही अपनी अपॉइंटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, और वो जो अपॉइंटमेंट हैं वो जून स्टार्टिंग से लेके मिड जुलाई तक वो होंगी, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज की अपॉइंटमेंट्स होंगी। सो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर द दोज केसेस, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड स्पेशली मैंशन दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट्स फॉर द फ्रेश केसेस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना F1 वीज़ा अप्लाई करना है, इधर नॉट लिमिटेड टू F1, इधर इट इज़ M1, J1 और एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, दे विल बी प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट्स फॉर देम। बट इसके बाद उन्होंने बताया है दोज केसेस के लिए जो अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ हुए हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप रिसेंटली रिफ्यूज़ हुए हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट अगेन, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी गेटिंग अपॉइंटमेंट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो दैट्स व्हाट दे सेड, इन द मंथ ऑफ अगस्त आफ्टर द 15th अगस्त टिल द 1st सितंबर, इस टाइम के बीच में वो अबाउट 15,000 स्लॉट्स देने जा रहे हैं स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव बीन रिफ्यूज्ड। अगर आप अपना ट्राई कर रहे हो, काफ़ी देर से आप ट्राई कर रहे हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए, यू आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट्स, सो मेक श्योर, उन्होंने स्पेशली गाइडलाइंस उन्होंने बताया है कि मेक श्योर यू ट्राई एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे, एंड मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा बार रिफ्रेश ना करें। लाइक अगर आप अभी ट्राई कर रहे हो एंड आपकी डेट नहीं मिल रही, आप उसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हो, डोंट मेक दीज मिस्टेक्स, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सेड कि ऐसे मिस्टेक करने से आपका जो अकाउंट है वो 72 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू, मेक श्योर कि आप उसको रिफ्रेश ना करें। अगर डेट नहीं मिल रही है, आप थोड़ी देर के लिए उसको लॉग आउट कर दें, एंड आफ्टर सम आवर्स, 5 to 6 आवर्स, आप अगेन उसको ट्राई करें। दे आर मोस्ट केसेस जो अभी उनको डेट मिल जाएगी, एंड प्रीवियसली भी उनको ऐसे डेट मिली थी जिन्होंने भी डेट पाई है, ऐसे हैं, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट द अपॉइंटमेंट डेट। डोंट रिफ्रेश द पेज मैनी टाइम्स इन अ सिंगल टेक, ओके, मेक श्योर आप ये मिस्टेक मत करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉप बॉक्स केसेस। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको जानते ही नहीं हैं कि ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, सो लेट मी टेल यू अबाउट इट। जो US एम्बेसी है उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम। जो लोग किसी न किसी वीज़ा पे रिसेंटली 4 years में कोई ना कोई वीज़ा पे सक्सेसफुली US गए हैं और ये वापस आ चुके हैं, नाउ दे डोंट नीड टू गो फॉर द इंटरव्यू अगेन, मीन दे डोंट नीड टू गेट द इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, दे कैन गो फॉर द ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट्स और सिंपली ड्रॉप बॉक्स। इसमें क्या है, आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसी के बेसिस पे वो आपको आपका डिसीजन दे देंगे अबाउट द वीज़ा। यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू If only you have been there for the interview in the previous 4 years, not more than 4 years, in the previous 4 years. It can be any visa type, F1, B1, H1, any visa type, it doesn't matter, at least you have to be there for one time, or you must have to be accepted for the visa at least one time इन द प्रीवियस 4 years। फर्दर डॉन हेफलिन ने यह भी बताया है कि पिछले दिनों में इन द कोविड डेज और कोविड के बाद भी ईयर्स में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके जा सकते, बट नाउ दे हैव ओपन दिस रिस्ट्रिक्शन, आप अब अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकते हैं। इफ़ यू हैव गॉट द वीज़ा, यू कैन टेक योर किड्स विद योर सेल्फ टू द US, और इधर इट्स एनी वीज़ा टाइप, इधर इट्स F1 और M1 और J1, यू कैन टेक योर किड्स विद योर। प्लस उन्होंने ये भी बताया है, एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स को कि लाइक योर कोर्स सिलेक्शन डजेंट मैटर, जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट वाई दिस कोर्स एंड वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स, यू हैव टू जस्टिफाई टू देम
It doesn't matter, like you are taking a very big university, you are getting admission in science or medical, it doesn't matter. You can select any course, but you have to explain to them that why are you taking this course only? Why it is made for you? Why this course or this college, this university is made for you? You have to explain it. It doesn't matter. The selection of college or course does not affect your visa decision. Only you have to explain to them why are you taking for these courses, why are you taking these courses or these colleges. So make sure कि आप अपने जो interview में हैं preparation करके जाएं, अपने जो सवालों के जवाब लेके जाएं, so that you don't have to hesitate there, you don't have to break there, you don't need to get nervous there. Okay, this was all about the video. I'll be making another video about the Q&A that happened in the live session. If you like this video, don't forget to like the video and don't forget to subscribe the channel if you want more immigration updates from my side. Thank you for watching this video. Stay fit and stay healthy.